मैं आपके बीच में जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वो है मार्च के महीने में होने वाला जननायक कबड्डी वर्ल्ड कप। ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी अनाउंसमेंट कर रहा हूं जो आज तक हरियाणा में नहीं हुई है, पहली बार होने जा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में दिवाली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व की छह बड़ी टीमें, सर्कल कबड्डी की छह बड़ी टीमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा और हमारा अपना इंडिया, ये छह टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कबड्डी कप का आयोजन जो है इस बार हम दिवाली के अंदर करवाने जा रहे हैं। और इन सभी टीमों में जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा इंडिया का खेल है, हमारी मिट्टी का खेल है कबड्डी, जो है सर्कल कबड्डी जिसको हम कहते हैं, इंडिया में ज्यादा मशहूर है, पाकिस्तान में या कुछ और उसमें, बट हमारे लोग जो बाहर जाकर के बसे और उन्होंने कबड्डी के इतिहास को बदला, कबड्डी को विदेशी माटी तक ले जाकर के उसे एक पॉपुलर खेल बनाया और आज हिंदुस्तान से भी कई गुना ज्यादा ये मशहूर है दूसरे देशों में। तो इन सभी टीमों के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल होंगे और इसके इनाम राशि, जिसकी घोषणा से हम लगभग 10 दिन के बाद करेंगे आप लोगों के बीच में, ये इनाम राशि भी कबड्डी के इतिहास की सबसे बड़ी इनाम राशि होगी। चाहे इसके अंदर बेस्ट रेडर हो, चाहे इसके अंदर बेस्ट कैचर हो, और इसके साथ साथ जो टीम्स को लेकर के प्राइज मनी है वो भी सबसे बड़ी होगी। और दिवाली के किसी गांव के अंदर ये आयोजित की जाएगी। वो आज इसलिए जल्दी होगा क्योंकि अभी हम ये देखने में लगे हैं कि इतने बड़े आयोजन को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा स्टेडियम बेहतर रहेगा। हम साथ साथ क्योंकि कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन जो है वो दोपहर के बाद होगा, सुबह जब दिन की शुरुआत होगी तब इंटर स्टेट टूर्नामेंट हमारा हरियाणा का कबड्डी का होगा, जिसके अंदर सभी 22 जिलों की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और उसके लिए भी जो रिक्रूटमेंट टीम्स हैं वो ऑलरेडी प्लेस कर दी गई हैं, वो सभी कबड्डी क्लब से या जिलों के अंदर जिस हिसाब से भी व्यवस्था कायम है उनसे बातचीत कर करके जो बेस्ट टीम्स हैं जिले की उनको लाने का काम यहां पर करेंगी।